आज डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ज्वाइन करा दें सबको पहले। देखिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन पहली चीज जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा ना, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हाँ अब बताओ आवाज आ रही है अब हमारी? यस। हाँ चलिए ठीक है, अब बताइए फिर। शायद यहाँ म्यूट हो गया था। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। सर सर डाउट आज ही मिलेंगे क्या? हाँ मैं आपको इसको करने का बताता हूँ आपसे। जी सर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जी एक्स कहीं जीरो ना हो जाए हैं। और चौथा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो कंटिन्यूअस हो गए हैं, अच्छा इसका क्या होगा? मान लो मैं बोलता हूं कि एफ एक्स की पावर पी बाई क्यू, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, एफ एक्स की पावर पी बाई क्यू? ये भी कंटिन्यूअस ही होगा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं अगर अगर क्यू इवन है तो आपका ये जो एफ एक्स है पॉजिटिव होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कंटिन्यूअस में अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये सब चीजें होती हैं। सर उधर सर जब एक क्वेश्चन हुआ था सर, तो उसमें आपने कहा था कुछ भी हो मतलब एफ एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब सर एक क्वेश्चन हुआ था उसमें यही डिबेट हुई नहीं, थी। वो एफ एक्स क्यों ऑड पावर, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्यों क्यों ये जो डिनोमिनेटर है ना, देखो ना ये अंडर रूट बन जाएगा ना, मतलब वो तो सकता है सर। जैसे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है, इस केस में तो आपका एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर ये क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स हुआ तो एफ एक्स तो नेगेटिव ही चलेगा ना। ठीक है ना, तो ये जो क्यू है यही तो रूट बनता है, क्यू इवन ऑर्डर का रूट जो है वो नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना, ये तो देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस थे। अब सेकेंड सिचुएशन ये आ जाती है कि इनमें से एक कंटिन्यूअस है,
fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at the same उसी पॉइंट की बात हो रही x equal to a then ठीक है ना fx continuous है और gx discontinuous है तो सबसे पहली चीज सम के बारे में क्या कहोगे आप डिसकंटिन्यूस दूसरा डिफरेंस के बारे में एक साथ लिख देता तो ठीक था ये दोनों के दोनों क्या होंगे ये डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होंगे सही है ना लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स ठीक है ना इसके बारे में हम स्पष्ट माइट बी तो मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा मतलब अब एलजेब्रा नहीं लगा सकते चौथा और वही चीज सेम एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बारे में क्या कहोगे ये भी सेम चीज हुई लगभग है ना इवन इसके बाद भी अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है उसके बाद भी वो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हो सकता है ठीक है ना अगर एफ एक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है जो मैं आप बताने जा रहा हूं आपको कि दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस है एफ एक्स भी आपका डिसकंटिन्यूस है एंड जी एक्स भी आपका डिसकंटिन्यूस है पर ऊपर वाले में पावर के लिए भी यही कहेंगे मे बी वो तो हाँ पावर किस पे लगी है पावर तो या तो एफ एक्स पे लगी है जी एक्स पे लगी है ना यस सर एफ एक्स पे पावर है हाँ तो अगर जी एक्स पे लगेगी तो फिर डिसकंटिन्यूस होगा एफ एक्स पे लगी तो वो कंटिन्यूस होगा क्योंकि एफ एक्स है ना इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें क्योंकि वहां पर भी देखो पावर केवल एफ एक्स की बात करी थी मैंने है ना जी सर दोनों डिसकंटिन्यूस है अब यहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस भी ले लेते हैं हाँ मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सही है और सेम किसी के लिए भी आप स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते सबके लिए मे बी वाला केस हो गया ठीक है ना जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं तो एलजेब्रा लगाने का कोई फायदा नहीं है ना थर्ड केस में बी और सी के एग्जांपल हाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ एग्जांपल एक अगर मान लो सपोज करो मैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लूँ और जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूँ तो आप देख सकते हो कि ये भी डिसकंटिन्यूस है नहीं है किसी भी इंटीजर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होता है और उन्हीं इंटीजर पॉइंट्स पे ये भी डिसकंटिन्यूस होते हैं हाँ लेकिन अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये x बन जाता है जो कि कंटिन्यूस हो जाएगा है ना ठीक है ना ऐसे करके मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको हैं अच्छा अब यहां पर देखो सम में तो स्पष्ट है प्रोडक्ट में डिवीजन में इनमें तो स्पष्ट है अब कंपोजिट फंक्शन की थोड़ी पढ़ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का क्या होता है ये भी देख लेते हैं ठीक है ना कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छा इसमें क्या है पहले तो समझ लो क्या है
इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मान लो किसी पॉइंट पे एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है एंड जो जी एक्स है ना अगर वो कंटिन्यूअस है आपका एक्स इक्वल टू एफ ए पे, देन द कंपोजिट फंक्शन गॉफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. एट एक्स इक्वल टू ए है ना, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे वेन डायग्राम से देखूं तो ये सपोज ए है और ये आपका बी है, तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ये आपका एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो यहां से इसने एक्स इक्वल टू ए लिया और यहां पर इसने वाई इक्वल टू एफ ए प्रोड्यूस किया ना, अगर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख दो इसको है ना, ये प्रोड्यूस किया. अब जब बी से सी पे फंक्शन होगा जिसको मैं जी से डिनोट कर रहा हूं, वाई इक्वल टू जी एक्स लिख रहा हूं, तो ठीक है ना, अब जी के अंदर में इनपुट एफ ही जाएगा ना, है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जी के अंदर एफ ए जाएगा ऐसे फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन आपका ए टू सी गॉफ कहलाता है, ये तो है ना गॉफ. हाँ okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट फंक्शन में, जैसे अगर मैं बात करूं कंपोजिट फंक्शन में, जो पहले अंदर वाला फंक्शन देखना पड़ता है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लो एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो ए कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, मान लो एफ ए, तो एफ ए वाले पॉइंट पे बाहर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फिर आपका गॉफ जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये मतलब हुआ इसका, है कि नहीं. तो एक एग्जांपल देखते हैं, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो एफ एक्स है आपका x साइन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स मान लो फंक्शन है आपके पास x क्यूब, ये दो फंक्शन है, ठीक है ना, तो आपको डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ, गॉफ ऑफ x एट x इक्वल टू जीरो पे आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है गॉफ की, ठीक है ना. सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो जो जी एक्स है आपका वो कंटिन्यूअस है ना, x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, और जो आपका एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है, देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये फंक्शन देखो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं है, है ना, ये एक्स एक्स को एक फंक्शन ले लो, साइन टू एक्स को दूसरा फंक्शन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को तीसरा फंक्शन ले लो, एक्स भी कंटिन्यूअस, साइन टू एक्स भी कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी कंटिन्यूअस, तो तीन कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ऑपरेशन होते हैं वो कंटिन्यूस ही होते हैं, है ना, तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया एक्स इक्वल टू जीरो पे, और जी एक्स भी कंटिन्यूस है एक्स, लेकिन ये मुझे क्या चेक करना है यहां पर, देखो मुझे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, गॉफ ऑफ एक्स ये निकालना है, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स, तो एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो तो ऊपर में पहली चीज जाहिर है, और जी एक्स की कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है आपको, जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी आपको कहां पे, एक्स इक्वल टू एफ जीरो पे, और लकीली एफ जीरो भी जीरो ही है यहां पर, है ना, कुछ और आता तो उस पर चेक करना पड़ता, तो जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एफ जीरो, देखो एफ जीरो जीरो ही है,
और हमने देखा है कि जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ये वाला पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया. तो फ्रॉम अबव प्रॉपर्टी क्या हो गया फिर आपका, गॉफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये है सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है ना. लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे. इस तरह से देखो एक क्वेश्चन है, अब डिसकंटिन्यूटी निकालनी है आपको. सपोज करो एफ एक्स आपका है मान लो 3/2x² + 5x - 3, ये एफ एक्स हो गया आपका. और जी एक्स आपका है 1/x + 2, ठीक है. तो आपको बताना है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये बताना है आपको. देखिए ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें. सबसे पहले देखो y है f ऑफ जी एक्स. अब यहां पर ये जो जी एक्स है ना, ये डिफाइंड होना चाहिए ना, क्यों भाई. अगर जी एक्स डिफाइंड होगा तभी तो f उसको एक्सेप्ट करेगा, और वैसे भी जी एक्स को f के डोमेन में होना चाहिए, है ना. आंसर 0, -1/3 देखना पड़ेगा. क्यों ये क्यों, ये एक पॉइंट तो ये आपने मिस कर दिया, -2 पे ये भी तो पॉइंट होगा, -2 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है भाई. -2 पे आपका जी एक्स ही डिफाइन नहीं है, तो जी एक्स ही आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो एफ एक्स कहां से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एफ ऑफ जी एक्स कहां से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो खुद ही हो गई. उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स जो है f of x भी डिफाइंड होना चाहिए. x के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकाल लेंगे, 2x + 5x इक्वेट कर देंगे, तो ये आपका जो f(x) है ये आपका क्या बनेगा, मीडियन अपॉन 2x - 1 × x + 3. अच्छा 2x - 1 बन गया और x + 3 बन गया, यानी कि f(x) कहां-कहां पर डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड एट, जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पर डिसकंटिन्यूस माना जाता है वो. x = 1/2 पे डिफाइंड नहीं है और x = -3 पे डिफाइंड नहीं है. Yes. Yes. अच्छा लेकिन ये पॉइंट अब x = 1/2 पे ये लेकिन यहां पर जो x आ रहा है वो तो जी एक्स से आएगा ना, जीएक्स की वैल्यू नहीं होनी है ना, यहाँ तो जीएक्स आएगा. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये कंपोजिशन था तो आपका जीएक्स जो है 1/2 नहीं होना चाहिए, आपका जीएक्स जो है -3 नहीं होना चाहिए ना. अरे भाई जब आप इसका कंपोजिशन बनाओगे एफ ऑफ जीएक्स तो जी एक्स की जगह जीएक्स आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा, जीएक्स आएगा ना कंपोजिशन में. तो आपका जो जीएक्स है अगर अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स 1/2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहां x की जगह जी एक्स है, ठीक है ना, यानी कि फॉर f ऑफ जी एक्स, एक्स को रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस x बाय जी एक्स, तो यहां जी एक्स आपका 1/2 नहीं होना चाहिए और जी एक्स आपका है 1/x + 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो यहां से x इज नॉट इक्वल टू 0, x आपका 0 नहीं होना चाहिए, सही है ना. और दूसरा यहां पर है आपका 1/x + 2 आपका ये -3 नहीं होना चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3, यहाँ आ जाएगा 1/3, 3 × 6 = 7, 7/2 ना, 7/3 सॉरी, ये हो गया -7/3 हो गया. तो देयरफॉर आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई,
एक्स एक्स जीरो पे और आपका माइनस टू पहले ही ऊपर आ चुका है, माइनस टू पे और माइनस सेवन बाई थ्री पे, ये तीन पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है भाई, जीरो माइनस टू और माइनस सेवन बाई थ्री, सही है ना। इसमें माइनस टू में थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, अगर अंदर वाला फंक्शन पे डिस्कंटिन्यूअस है तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसका जो मतलब जो बाहर वाला फंक्शन जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा, जब उसने वो माइनस टू को एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई, इनपुट कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा माइनस टू में भाई, आपका इनपुट आप किसको दोगे, आप एफ को थोड़ी दे रहे हो इनपुट, आप तो जी को दे रहे हो इनपुट, और जी ने आपका इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब कि किसने भी नहीं एक्सेप्ट किया। अच्छा हाँ यस सर, है ना, तो जब इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ आपका माइनस टू, तो माइनस टू पे आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, माइनस टू पे डिस्कंटिन्यूटी होगी, माइनस टू पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, है ना। हाँ सर, माइनस टू तो डोमेन में नहीं आएगा ना, माइनस टू डोमेन में नहीं आएगा ना। हाँ तो जब इस टाइप फंक्शंस में जहां पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है ना, उसी पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी होती है भाई, टेन एक्स कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है। यस सर, तो अगर डोमेन में नहीं आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, नहीं आप पूरा लिखोगे उसमें, है ना, ये वाले पॉइंट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होगी, ग्राफ जब बनाओगे आप वहां पर आपको ब्रेक मिलेगा ना भाई, माइनस टू के लेफ्ट में और माइनस टू के राइट में, तो देखे सर जहां पे पेन उठ जाता है वो उसको डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। नहीं अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो माइनस टू के अगल बगल में वो भागेगा ना, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को भागेगा, जिसे 10 में भागता है तो डिस्कंटिन्यूटी बोल देंगे उसको, ठीक है ना। ऐसे करके कंपोजिट फंक्शन में ये निकालते हैं, बाहर वाले एफएक्स, बाहर वाला एफएक्स के वो पॉइंट्स जहां बाहर वाला जो फंक्शन है एफएक्स जहां पर वो डिफाइंड नहीं है, वो x इक्वल टू वन बाई टू है और x इक्वल टू माइनस थ्री है, ठीक है। लेकिन ये y का प्रॉब्लम नहीं है, y की प्रॉब्लम ये है कि जब x को हम gx से रिप्लेस कर देंगे ना, f ऑफ gx में जब x को gx से रिप्लेस कर देंगे तो gx की वैल्यू 1 बाई टू और माइनस थ्री ना आने पाई, बस ये देखना है, ठीक है ना। हाँ यानी कि gx शुड नॉट प्रोड्यूस वैल्यूज, या ऐसे बोल सकते हो आप इसको, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि gx शुड नॉट प्रोड्यूस वैल्यूज विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू एफएक्स, ठीक है ना। लेकिन याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फॉक की बात कर रहा हूं, गॉफ में उलट हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर वाला फंक्शन ऐसा कोई आउटपुट ना प्रोड्यूस करे जो बाहर वाले को एक्सेप्ट नहीं है, तो बाहर वाले को एक्सेप्ट नहीं है 1 बाई टू, तो अंदर वाला 1 बाई टू ना प्रोड्यूस करे, बाहर वाले को माइनस थ्री एक्सेप्ट नहीं है तो अंदर वाला माइनस थ्री ना प्रोड्यूस करे, यही मतलब हुआ ना इसका। यस सर, ठीक है ना। इसके बाद कुछ चीजें क्या है, जैसे अभी हम लोग क्या है, कुछ चीजें जैसे हम याद रख सकते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर बोलेंगे इसको, अगर मतलब कि कई बार हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कंटिन्यूटी को, तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस हैं, कोई चेक करने की जरूरत नहीं अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो। दूसरा, अगर रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन क्या होता है मालूम आपको, f(x) / g(x) फॉर्म का, तो जिसमें g(x) कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, रैशनल फंक्शंस मतलब दो पॉलिनोमियल का डिवीजन, रैशनल फंक्शंस भी कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो ना। यस,
उन पॉइंट्स पर जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वहां पर हम डिस्कंटिन्यूअस बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट में डिफाइंड है ना रेशनल फंक्शन। तीसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ई एक्स हो गया, आपका लॉग एक्स हो गया, है ना, ये वाले फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मॉड साइन कॉस हो गया, ये वाले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सारे है ना, ये वाले आर कंटिन्यूअस। इन देयर डोमेन है, यस सर, एक्सेट्रा कर दो यहां पर, चार पहली कर देगा, ठीक था ना, चार तो लिखी दी। कंटिन्यू अगर इनके डोमेन के बाहर डिसकंटिन्यूअस बने जाएंगे क्या सर, और लिमिट भी एक्सिस्ट नहीं करेगी है सर, वहां लिमिट भी नहीं होगी, वहां तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, यस सर, हां ये हो गया। और मॉड्यूलस फंक्शन हो गया है ना, मॉड भी है, मॉड भी एक फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, ये वाले फंक्शन पे ज्यादा हमें, बाकी ऊपर मैंने अलजेब्रा बताया आपको है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कंपोजिशन में क्या होता है ना, ये देखो। और ठीक है ना, आगे जब आप पढ़ते हो ना तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत बार चेक करनी पड़ती है, तो हम डायरेक्ट भी इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं अगर इनमें से कुछ हुआ तो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी अगर मैं डिसकंटिन्यूटी बोलूं चेक करने को, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस एट 0.1 है, डिस्कस डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, ये दो पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो आपके पास ऑब्वियसली करा चुके हैं, तो ये लास्ट क्लास का आखिरी क्वेश्चन, नहीं, मेरे को मालूम है मैं करा चुका हूं, मैंने वहां एनालिटिकल तरीके से कराया है, यहां पर मैं अलजेब्रा से भी कर सकता हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है ये डिसकंटिन्यूअस है, यस यस सर, इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है ना, जंप मारता है इंटीजर पॉइंट पर, और ये जो मॉड फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, क्यों मॉड फंक्शन, अभी मैंने लिखा है कि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और ऊपर एक अलजेब्रा किया था मैंने, जब एडिशन एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है फिर, डिसकंटिन्यूअस, बस आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, दोनों पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये ऐसे भी हम कर सकते थे इसका अलजेब्रा, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है वैसे, हमारे पास तो मेथड तो है ही ना हमारे पास, क्यों, और ग्राफ से भी कर सकते थे, मैंने शायद ग्राफ से बताया होगा इसको ना, ग्राफ से बताया था, हाँ तो ग्राफ से भी कर सकते हैं आप इसको, जो है वो LHL RHL करके एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और ये अलजेब्रा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये है देखो, जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 2x प्लस 7 की पावर 2/3, क्या ये कंटिन्यूअस होगा, मैं कह रहा हूं ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, यस सर, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर देखो कंटिन्यूअस है, ई 2x प्लस 1 ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, इसका न्यूमरेटर कंटिन्यूअस है, इसका डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस है, और डिनोमिनेटर कहीं पर भी जीरो नहीं दे रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो ना दे तो पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड करने पर वो कंटिन्यूअस बन जाता है,
और वो पॉजिटिव होगा तो रूट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/3 करो चाहे 3/2 करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अगर यहाँ 2/3 के जगह पर मान लो 3/2 होता तो मुझे चेक करना पड़ता कि अंदर वाला पॉजिटिव हो, है ना, और वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्लस किया हुआ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं तो इसका मतलब ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया, फ्रॉम डायरेक्ट हम फ्रॉम एलजेब्रा कर सकते हैं कंटिन्यूटी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, सही है, ठीक है। अब इसको इसको ट्राई करो जरा, सर एक मिनट पीछे वाला पेज ओपन कर। हाँ सर, हाँ सर, वो ये कह रहा था सर नोट्स का, सर एक पीडीएफ बना के भेज दिया करेंगे क्या? एक पीडीएफ यार नहीं बन रहा यार, ये जो जिस दो नोट में यूज करता हूँ ना इसमें कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा, मैंने पर चेक भी किया ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ हो जाते हैं और फिर सर मेरे नहीं पाता बाकी से। जी सर, तो या तो फिर पावर पॉइंट ट्राई कर लीजिए एक बार, या तो सर जो पीडीएफ आते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं सर, मतलब बहुत ज़ूम्ड होता है सब पेज, बहुत बड़े फोन में सर ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, रेगुलर होता है देखना होता है, तो या तो एक बार पावर पॉइंट ट्राई करके देख लीजिए सर। हां मैं पावर पॉइंट ट्राई करके देखता हूं, फिर ना अभी नहीं अगले बार मैं पावर पॉइंट ट्राई करके देखती हूं पावर पॉइंट में, यस ओके पावर पॉइंट ट्राई करके देखूंगा। अब मैंने दूसरा वाला ट्राई किया था व्हाइट बोर्ड, उसमें लेकिन उसमें एक मतलब ना एक एक पेज एक क्वेश्चन एक पेज में होना चाहिए, अगर एक पेज से वो अगर आगे आगे निकल जाए ना तो मैं मैथ्स में दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि डेटा ऊपर देखना पड़ता है ना, तो ऐसा मुझे ऐसा चाहिए जिसमें कि एक पेज में एक क्वेश्चन पूरा हो, भले ही कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, दूसरे है ना क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए एक पेज में, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, इसको प्रेफर करता हूँ। तो सर मनोज सर कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उसमें सही से बन जाता था, जो मैं पता करूंगा फिर यार, एक तो काम मिलने का मौका ही नहीं हो रहा है, जो घर में बैठ के हम लोग देख रहे हैं मुलाकात ही कहाँ होती है, होगी मुलाकात तो पता लगेगा कौन क्या कर रहा है करके ना, कैसे कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी इसको बनाने की, इसमें पीडीएफ बन जाए या मर्ज हो जाए ये, है ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कुछ बता ही नहीं रहा ये। अरे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन तो होता है वैसे फाइल। अरे नहीं है यार, सारा चेक कर लिया मैंने, राहुल को भी बोला वहाँ ऑफिस में कि बैग चेक करके बताओ, कोच की बताओ, वो भी नहीं बता पाए कुछ। तो पीडीएफ कंपाइलर यूज कर सकते हैं, वो भी कर लिया यार, सब कुछ करके देख लिया, इसमें कुछ इतना होता होगा कुछ हमको ज्यादा आइडिया भी नहीं है, जितना आइडिया था सब इसके पेज का साइज बिल्कुल अलग अलग रहता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है पता नहीं। चलो मैं एक बार एक ये ऑप्शन ट्राई करूंगा कि मैं पावर पॉइंट ट्राई करूंगा एक बार, उसमें कैसा रहता है देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 2/2 + x नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स की नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बतानी है, कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो इसमें पता क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं पहले एफ ऑफ एफ एक्स बना लेंगे, वो होगा सर, नहीं सर वो बड़ा मैसेज हो जाएगा, वो गलत नहीं वो गलत हो जाएगा भैया, आप कैसे बना रहे हो अगर अंदर वाले के आउटपुट को बाहर वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बनेगा कैसे वो पूरा एफ एक्स के यहां पे -2 नहीं हो सकता, ये इस्तेमाल करो। हां तो ये है सबसे पहले एफ एक्स 0 नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं, अंदर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स ठीक है ना वो डिफाइंड होना चाहिए, क्या हो कुछ भी हो वो डिफाइंड होना चाहिए। तो और एफ एक्स है मेरा अंदर वाला 2/2 + x तो यानी कि 2 + x आपका 0 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू -2 तो x आपका -2 नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये होगी, एक पॉइंट तो ये खुद आ गया। उसके बाद ये बोलता है कि जो बाहर वाला फंक्शन है एफ एक्स, सर एफ एक्स को भी -2 नहीं होना चाहिए, x प्लस 2, तो यहां पर अगर मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स बोलूं
वैसे अंदर वाला जी एक्स तो मेरा एफ एक्स ही है ना, तो एफ एक्स को भी माइनस टू नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब एफ ऑफ एक्स बोलूंगा तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एफ एक्स से। तो जो यहाँ पर एक्स की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो एफ एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, एफ एक्स माइनस टू नहीं होना चाहिए। तो यानी कि टू टू प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, इट्स नॉट इक्वल टू माइनस माइनस वन, वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस टू है, ये ऐसे आएगा ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस थ्री, थ्री हो गया। देयरफॉर बस इतना ही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो ही है बस, एक माइनस टू प्रॉब्लम दे रहा है और ये माइनस थ्री प्रॉब्लम दे रहा है, दो प्रॉब्लम है, दो पॉइंट। ठीक, हाँ, और मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ फिर इसमें। ये देखो इसको, इसकी कंटिन्यूटी आपने डिस्कस करनी है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये ऐसे कुछ दे रहा है, ए है टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस fractional part of x when x is not equal to 0 and log of ea when x is equal to 0. Discuss the continuity of the f on the function at x equal to 0 पे आपको चेक करनी है, ठीक है, बताइए कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, मैं रुक रहा हूँ। आया? देखो अगर मैं बात करूं सीधे ऑर्डर कोई भी हो सकता है ना, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो ये तो दिया ही हुआ है, लॉग ऑफ ई ए, अब आपने निकालना है एल एच एल, आपके पास जीरो माइनस एस पुट करेंगे तो ए ये हो गया टू, ये हो गया जीरो माइनस एच, ये हो गया जीरो माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट
माइनस वन अपॉन ये हो गया टू ए बार जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हो गया जीरो माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आपका बन गया लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये टू की पावर टू नहीं सॉरी ए की पावर टू बाहर माइनस टू प्लस, तो ये तो हो गया टू जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस प्लस और जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच का एच प्लस वन यस नहीं माइनस एच प्लस वन ना वन माइनस एच तो वन माइनस एच होगा वन माइनस एच ये भी तो लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा आपका टू इंटू माइनस वन और ये हो गया वन माइनस एच। तो एच की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद ये जाके बन रहा है आपका माइनस टू माइनस ए की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन नहीं तो वन माइनस वन बाई ए बन रहा है। तो यहीं पर ही हो गया आर एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आर एच एल तो आ जाएगा एल एन नहीं ये देखो ना वैल्यू के इक्वल नहीं है तीनों इक्वल होने चाहिए ना दो इक्वल नहीं आ रहे तीसरा इक्वल भी आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं yes, उसने टाइप भी पूछी है तो निकालना पड़ेगा है निकालना पड़ेगा टाइप भी पूछी है टाइप नहीं पूछा होता तो यहीं पर ही हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया वो डिसकंटिन्यूअस की कोई भी एक वजह होगी तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो ए की पावर टू जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच माइनस वन अपॉन टू जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच का ये तो ये जाके बन गया आपका जीरो प्लस एच तो जीरो हो गया ए की पावर जीरो और जीरो प्लस एच ये एच हो गया ये माइनस वन हो गया और ये टू जीरो प्लस एच टू इंटू जीरो और ये हो गया एच। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो ए एच माइनस वन अपॉन एच तो ये तो एल एन ए हो गया सी जैसे ये yes. तो ये लॉग ऑफ ई है जो ऊपर दिया है उसी हिसाब से तो इसका मतलब ये है कि एल एच एल आपके आर एच एल के इक्वल नहीं है लेकिन आर एच एल आपके वैल्यू के इक्वल है ना ये आपके। तो बेसिकली ठीक है फर्स्ट टाइप की होगी डिसकंटिन्यूटी ठीक। अगला ये देखो एफ एक्स आपको दिया हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कॉस ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कह रहा है कि एक्स वन से छोटा हो तो ये लेना और ये कह रहा है मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू जब एक्स आपका वन से बड़ा हो ठीक है ना। डिस्कस कंटिन्यूटी इन जीरो से टू दोनों इंक्लूडेड जीरो और टू के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखिए ग्राफ से करेंगे करो जरा बताओ जरा क्या होगा कैसे ग्राफ से करना चाहोगे इंटरवल चाहिए ग्राफ से करके दे ग्राफ से कर लो चलो अच्छा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो मॉड भी हो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वाले फंक्शंस हो तो ग्राफ से करना बेस्ट ऑप्शन है उसका। मैं इसको सर जो ये रेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको ग्राफ के सिवाय भी किसी तरीके से कर सकते हैं पहले सब तरीके से कर सकते हैं। मैं भी आपको सर इसमें वैल्यूज तो सर कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज होंगे तो सर कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं भैया आपने पता ना आपको पता है कि कॉस फंक्शंस जो है ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर कंटीन्यूअस व्हेन डिसकंटीन्यूअस कब होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे होता है। आप प्रॉपर्टी आप उसमें थ्योरी लर्न करोगे ना ये जो 2x minus 3 mod function है ये always continuous होता है और जो ये x minus 2 है ये integral point पे continuous discontinuous होता है ऐसे करके आप critical point find करोगे ठीक है। पहले आप graph बनाओ फिर मैं आपको दूसरा analytical तरीका बताऊंगा पहले graphical बोला है तो graphical करते हैं।
ग्राफिकल करने के लिए पहले फंक्शन को खोलो, ठीक है, फंक्शन को खोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिस्कंटीन्यूअस, 1 पे डिस्कंटीन्यूअस, 1 पे, एक मिनट को, हाँ मैं करके देखूं 1 पे क्या है देखते हैं, 0 से 2 पे देना है तो मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा 1/2 पे, 1/2 पे 0 1 और ये 2, 0 से 1 के बीच में cos ऑफ पाई एक्स, cos ऑफ पाई एक्स यानी कि 0 पे भी डिस्कंटीन्यूअस, 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब हो गया -1 से 1 ना, है ना, तो 0 देखो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं सीधे, cos ऑफ पाई एक्स कंटीन्यूअस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1 है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और 0 के बाद इसकी वैल्यू आ रही है कहां तक, 1/2 तक, 1/2 तक 0 आ रही है, जैसे 1/2 डालोगे इसको आप, 1/2 तक ये आपको 0 दे रहा है, यानी कि ये आप यहां फेंक देगा आपको, 1/2 पे क्या होगा, 1/2 पे ये पाई, यानी कि 1/2 पे ये आपको माइनस पे फेंक रहा है, यहां माइनस पे फेंक रहा है ना, 1/2 पे, 1/2 के बाद ये पूरी वैल्यू -1 आ जाएगी ना, यहां तक आएगा। अच्छा 1 पे क्या आएगा, 1 पे भी -1 आएगा, हां सर 1/2 पे तो 0 बच्चे, 1/2 पे 0, 1/2 पे 0 है ना, ठीक है 1/2 पे 0 टूट नहीं कर रहा है सर, हां ऊपर आ जाएगा ये 1/2, 1/2 के बाद नीचे आएगा है, यस 1/2 पे ये 0 होगा जो वाला, ठीक है सही कह रहे हो, और नीचे में होल आएगा, ऐसे नीचे में होता है, यहाँ होल आएगा ऐसे, ये आ गया देखो होल है, ठीक है, और 1 पे 1 तो ऊपर में ही है और cos -1 आएगा, ठीक है यहां तक आ गया, उसके बाद आपके पास ये फंक्शन में आना है आपको, अब ये जो मॉड है 3/2 पे टूटेगा ना, क्यों भाई 3/2 पे टूटेगा, आपको बताया ना मॉड अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा, 3/2 हाँ, और x माइनस 2 तो रहेगा कहां तक रहेगा, 1 से लेकर 2 तक में सेम ही रहेगा ये, तो अब इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, आपका फंक्शन का ग्राफ, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं 1 से 3/2 में, फिर इसका ग्राफ बना लूंगा, तो y इक्वल टू ये पॉजिटिव खुलेगा ना 3/2 नहीं नेगेटिव खुलेगा ना, -2x+3 और नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या -1, क्यों भाई x माइनस टू 1 से 3/2 के बीच में क्या देगा वैल्यू बताओ, -1 दे देगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 2x-3, ये ग्राफ बनेगा, तो 1 पे ये आ गया -1 और 3/2 पे ये आ गया 0, तो क्या ये ऐसे बनेगा, ये बना आपका ग्राफ, ये तो कंटिन्यूअस आ गया 1 पे भाई, यस यस, 3/2 के बाद क्या हो रहा है देखो, 3/2 के बाद क्या हो रहा है, जो मॉड है वो पॉजिटिव खुलेगा है ना, और 3/2 से बड़ी वैल्यू रुकती है 1 दे देगा ना, -1 ये ग्राफ बनेगा, तो यहाँ से ये 3/2 पे 0 दे रहा है और 2 पे दे रहा है ये -1, 2 पे माइनस, एग्जैक्टली 2 पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्टली 2 पे 0 0 दे रहे, यहां से फिर इसने एग्जैक्टली 2 पे जंप मारा, अब ये ग्राफ बना है इसका एक्चुअल में, ठीक है ना, ये ग्राफ है, तो कितने पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हुए इसके, 3, कौन कौन से, 0 पे डिस्कंटिन्यूअस है, 0
जीरो वन बाय टू और वन बाय टू पे डिसकंटिन्यूअस है और फिर टू पे भी डिसकंटिन्यूअस है, लेना पड़ेगा ना कॉर्नर पॉइंट। यस सर, यस सर। तो जीरो के केवल राइट हैंड लिमिट से कंपेयर करेंगे, टू पे केवल लेफ्ट हैंड लिमिट से कंपेयर करेंगे, तो ये तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई हमारी, सही है। ये आपका ग्राफिकल है। अब अच्छा, इसी पॉइंट इस यही वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कितने पॉइंट पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, पता आपको, बता सकते हो कोई? नहीं, एक और तो होता है जहां पर आपका फंक्शन ना ऐसे शार्प टर्न लेता है, टर्न ले रहा 3/2, हां 3/2 हो गया, तो 1 पे भी तो टर्न ले रहा है। ये टर्न लेने का मतलब होता है अपना नेचर बदले, यहां स्ट्रेट लाइन से कर्व वो क्या बोलते हैं स्लोपी लाइन बन गया, तो यहां भी 1 पे भी हुआ 3/2 पे भी हुआ, सही है। तो दो पॉइंट एक्स, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ यही कांसेप्ट लगेगा आपका, वो हम जब पढ़ेंगे तो अब कम थ्योरी है, धीरे धीरे थ्योरी कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये तो ये हो गया बच्चे आपका ग्राफिकल अप्रोच, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। एनालिटिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल के लिए आपको फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा, पहले तो तोड़ना पड़ेगा मतलब कि मॉड खोलना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलना पड़ेगा, सही है। सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो, कहां से जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे कैसा बिहेव कर रहा है ये। अच्छा पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन की नॉट डिफाइंड होने की, नॉन डिफरेंशिएबल होने की, नॉन कंटिन्यूअस होने की संभावना होती है। तो जो ऊपर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है तो इंटीजर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना, cos पाई x कहां कहां पर इंटीजर होगा, या तो cos पाई x 0 आ जाए, या cos पाई x 1 आ जाए, या -1 आ जाए, तो तीन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो, है ना। तो कौन कौन से पॉइंट पे ये हो गया, हमारे इंटरवल के हिसाब से, जीरो पे प्रॉब्लम है इसको, जीरो पे इंटीजर दे रहा है ये, 1/2 पे प्रॉब्लम है इसको, 1/2 पे ये इंटीजर दे रहा है, और 1 पे भी प्रॉब्लम है इसको। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हो गए इसके cos पाई x के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पे डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे वन से कितना, जीरो से लेकर कहां तक, 1/2 पे, फिर चाहो तो आप 1/2 को अलग कर लो, चाहो तो साथ में ही लिख लो, साथ में लिख लूंगा एक ही बार है। फिर आप क्या करोगे, 1/2 से 1 तक डिफाइन करोगे, 1 को भी ले लेते हैं, फिर आप 1 से लेकर, अब देखना पड़ेगा आगे क्या है, आगे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा ये जो ये जो मॉड है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3/2, और ये जो x माइनस 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, बस और कोई पॉइंट नहीं है 2, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इन पांच पॉइंट पे संभावना है कि ये फंक्शन अपना कुछ है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे, तो ये पांच क्रिटिकल पॉइंट हो गए। बहुत बड़ा हो जाएगा एनालिटिकल, हाँ एनालिटिकल, तभी तो मैं कह रहा हूँ एनालिटिकल मेथड, लेकिन मेथड तो यही है भाई, मॉड है तो खोलना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो खोलना पड़ेगा, खोलने के लिए क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे वैसे खुल के बना क्या, जरा देख तो ले, 1 तक तो ये हो गया, 1 से लेकर 3/2 हो गया अगला पॉइंट, 3/2 को ले लेते हैं यहीं पर, और फिर 3/2 से 2 तक, और फिर 2 पे ये ऐसे खोलेगा पूरा का पूरा, और x इक्वल टू 0 पे cos 1 हो गया, x इक्वल टू 0 से 1/2 पे कितना हो गया, 0 हो गया ना, और 1/2 से 1 तक ये -1 हो गया, फिर 1 से लेकर 3/2 तक, 1 से लेकर 3/2 तक ये हो गया 2x-3, 3/2 से 2 तक हो गया -2x+3, x इक्वल टू 2 पे ये डायरेक्ट 0 आ गया, ऐसे टूटा। सेम चीज है कि नहीं ग्राफ से, बताओ। yes, यही चीज है बस। अब इसमें 0 पे LHL, 0 पे LHL आ रहा है 1, 0 पे RHL आ रहा है 0 discontinuous, 1/2 पे LHL आ रहा है 0, RHL आ रहा है 1/2 discontinuous, 1 पे LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है 2 × 2 -3 -1, LHL RHL equal, value equal, 1 पे continuous, फिर उसके बाद 3/2 पे चेक करेंगे, उसके बाद
2 पे चेक करेंगे, ये एनालिटिकल मेथड हो गया। इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों चेक कर रहे हैं, और कोई पॉइंट पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने उन्हें पढ़ा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट जहां पर वो अपना नेचर बदल रहा है, जहां एक पॉलिनोमियल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे, बाकी जगह चेक नहीं करेंगे। याद रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट को हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे बाद में, जब इसके इसके आगे और एप्लीकेशन आएंगे वहां इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे। अभी हम अभी के लिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर ऐसी कोई संभावना होती है कि फंक्शन डिफाइन ना करे, फंक्शन पे डिसकंटिन्यूटी आ सके, फंक्शन पे डिफरेंशिएबिलिटी आ जाए, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाए, उन पॉइंट्स को हम लोग अभी आगे और है, डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए, मतलब वो आगे जाएंगे, इस पे बहुत सारा चीजें हैं अभी। ठीक है ना सर? हां सर, बस एक बार ये कंफर्म कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स, अरे इंटीजर हो जाए ना अंदर वाला, आंख बंद करके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद करो, कहां-कहां जंप करता है वो, इंटीग्रल पॉइंट, बस इंटीग्रल पॉइंट उनके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। और फ्रैक्शनल पार्ट के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? फ्रैक्शनल पार्ट के क्रिटिकल पॉइंट भी इंटीजर पॉइंट होते हैं, क्योंकि सर ये सर 0 1 2 3 ये सब। ठीक है, हाँ। एक जैसे क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन आपके जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, एक्स लाई कर रहा है 0 से लेकर 2 तक, और ये एक्स लाई कर रहा है 2 से लेकर 3 तक। ये पूछ रहा है सिर्फ आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, नहीं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन gx व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ fx। ये तो क्या करना पड़ेगा पहले इसमें, आप सोच के बताओ। आप सीधे इसका कंपोजिशन बना लो, f of fx बना लो ना सीधे। Yes. Yes. f of fx बनाने का तरीका कौन सा तरीका अभी आपको अभी प्रैक्टिस हो गई है? अलजेब्रिक वाला ही। ग्राफ वाला? अलजेब्रिक वाला जल्दी हो जाता है। देखते हैं। 0 से 2 fx, 2 से 3 ग्राफ बनाओ fx का, 2 पे चेंज हो रहा है, 2 से पहले है 1 plus x, तो 2 पे 3 और ऐसे ग्राफ बनेगा, ये 1 plus x है ना सर, 1 और 2 पे डिसकंटीन्यूअस है जो yes. है, उसके बाद इसके बाद क्या है, 2 के बाद ये पॉइंट क्या आया था, 3 आया था, हाँ। अब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या ग्राफ बना है, 2 पे 1, 2 पे 1 होल है, और 3 पे 0
ऐसा बना ये ग्राफ नहीं, ऐसा बना ये ग्राफ बनाया आपका, देखो हैं, बता फटाफट क्या करो, ये आपका बन जाएगा यहां पर। पहले जीरो से टू के बीच में ले लेते हैं, जीरो को इंक्लूड किया, जीरो से टू के बीच में, ठीक है ना, जीरो से टू के बीच में ये कितना आया था, ये वन आया था, टू कहीं यहां होगा ना, तो जीरो से टू के बीच में ये दो दो पोर्शन फंसे हैं, एक ये फंसा है और एक ये फंसा है, तो यानी कि ये वाला क्या था, एफ एक्स क्या है, ये वाला ग्राफ क्या है, वन प्लस एक्स है, और ये वाला ग्राफ क्या है, थ्री माइनस एक्स है। तो आप क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन में एक बार तो आप वन प्लस एक्स पुट कर दोगे, और एक बार ऊपर वाले ही फंक्शन में आप थ्री माइनस एक्स पुट कर दोगे। वन प्लस एक्स कब पुट करोगे आप, ठीक है ना, वन प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, लेस देन इक्वल टू, ये वाला पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये क्या था ग्राफ किसका, टू का था, वन पे, हाँ, तो एक्स लेस देन इक्वल टू वन पे, ठीक है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, सही है यहाँ तक, यस यस सर, हाँ। और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा फिर, ये वाला जो पोर्शन टू से थ्री के बीच में ना, यस सर, टू से थ्री के बीच में आपने ये बनाया, और उसके बाद ये टू और माइनस एक्स आ जाएगा, टू और थ्री के बीच में ये आ गया, इसको ये पुट करना है आपने, तो थ्री माइनस वन प्लस एक्स, कहां से कहां तक, ये वाला ग्राफ पुट कर देना पड़ेगा, ये वाला ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पुट करना पड़ेगा टू से थ्री के बीच में, और तो ये आ गया कितना, कहां से कहां तक, वन से टू तक, टू नहीं, टू बाई इक्वल टू, ये आ गया, हो गया कंपोजिशन तैयार, टू प्लस एक्स, एक्स लेस देन वन, और थ्री माइनस वन, टू माइनस एक्स, एक्स फ्रॉम वन से टू, और फोर माइनस एक्स व्हेन एक्स फ्रॉम टू से थ्री, थ्री पे इक्वल टू, ये देखो ये आ गया, तो ऊपर इंक्लूडेड होगा हैं, तो टू बीच वाले में इंक्लूडेड होगा, एक्चुअली टू बीच नहीं, मैंने तो बीच वाले में तो किया ही है, अपने फोर माइनस एक्स में लिखा है, अच्छा ऊपर, यहाँ ऊपर, ये नीचे है ना, टू ऊपर वाले में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ होगा, हाँ वो ठीक, वो मैंने ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे कर दिया, नीचे उसको ध्यान नहीं दिया, आप सही है, यहाँ तो होल है ना, ये देखो, yes. ये आ गया आपका, सही है, यही है, बस हो गया, उसके बाद क्या करना है, आप अगर अगर पॉसिबल है कहीं डिसकंटिन्यूअस होना तो कहाँ हो सकता है, वन पे, वन और टू पे, टू पे, अब चेक करना पड़ेगा ना भाई, सर ये तो लाइंस की इक्वेशन है, इसमें तो सर देख के बता दें, हाँ, तो x equal to 1 पे चेक किया, तो 1 यहाँ डाला, तो 1 पे वैल्यू आई है 3, वैल्यू आई है 3, लेफ्ट लिमिट आई है 3, राइट लिमिट आई है नहीं, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट लिमिट आ गई 2 माइनस 1 1, 3 वैल्यू आई है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है, देखो तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, yes. 3, 2 पे चेक करो, 2 पे एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू आ रही है 0, वैल्यू आ रही है 0, एल एच एल आ रहा है 0, और आर एच एल आ रहा है 4 माइनस 2 2, तो देखो क्यों भाई, सही है, yes. तो ये भी डिसकंटिन्यूस, तो 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया आपके, आपको पूरा लिख के थोड़ी दिखाना है ना ऑब्जेक्टिव में, क्यों, ये LHL मैंने निकाला, देखो लाइन से निकाल भी लिया, LHL निकाला, ये वैल्यू निकाली, LHL निकाला, ये RHL निकाला, ये वैल्यू निकाली, LHL निकाला, RHL निकाला, आपको पूरा लिख के थोड़ी दिखाना होगा पूरा, सही है, हाँ, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी अभी नहीं है, ठीक, इसको चेक करो, एक
एफ एक्स इक्वल टू फाइव ई वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन थ्री माइनस ई वन बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. Examine fx for continuity at x equal to 0. ये क्वेश्चन इस तरह से मल्टी करेक्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर. है क्या कंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस है. आर एच एल आ रहा है माइनस फाइव प्लस फाइव और वैल्यू पे आ रहा है जीरो. ठीक है, डिस्कंटिन्यू जीरो पे वैल्यू दे रखी है जीरो और एल एच एल है वैल्यू आपको एफ जीरो जीरो दे रखा है. एल एच एल किया होगा आपने. एल एच एल निकाला आर एच एल निकाला लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो आर एच एल माइनस फाइव आर तो फाइव ई वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस टू अपॉन 3 माइनस ई माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच. तो ये ऐसा बन गया ना 5e माइनस वन बाई एच प्लस टू अपॉन 3e माइनस माइनस था बीच में माइनस कहाँ से आ गया माइनस नहीं है ना ये होगा ऐसे ये ठीक है ना 2 बाई थ्री है हाँ माइनस फाइव भाई ऐसा होगा ना ये 5 प्लस 2 e की पावर 1 बाई एच ऐसा लिखोगे ना इसको आप और इसको ऐसा लिख सकते हो आप 3 e 1 बाई एच माइनस 1 ऐसा लिखोगे ना आप इसको और 1 बाई एच टेंड्स टू कितना हो जाएगा इनफिनिटी. हाँ तो 1 अपॉन एच टेंडिंग टू इनफिनिटी कॉमन ले लेंगे e वाला तो ये उसको कॉमन ले लोगे अगर आप तो e की पावर 1 बाई एच को कॉमन ले लोगे तो ये 2 प्लस 5 अपॉन e की पावर 1 बाई एच हो जाएगा और ये 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 को नहीं सॉरी किसको e की पावर इन्फिनिटी को कॉमन लेते हैं ना इन्फिनिटी वाले टर्म को तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन e 1 बाई एच. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 बाई 3 आएगा भाई आंसर. यस वो आर एच एल माइनस 5 आ रहा. अच्छा ठीक है अब यहाँ पर देखो आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एक निकाल दी. LHL is not equal to the value हो गया खत्म not continuous सीधे खत्म करो क्यों टाइम वेस्ट करना है ना अगर उसने जंप वगैरह ये सब ना पूछा हो तो है ना. हाँ अब कंटिन्यूटी अब डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे पास. अच्छा जरा ये देखो एक हाँ लास्ट इसको दे रहा हूँ फिर मैं बंद कर दूंगा आपके डाउट पे आ जाऊंगा. एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस टू और ये कह रहा है एक्स माइनस थ्री से जीरो और ये एक्स माइनस टू है और एक्स बिलोंग्स टू जीरो से जीरो ऊपर इंक्लूडेड है थ्री. एक फंक्शन है जी एक्स जो कि है एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स का होल मॉड. तो टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स इन इंटरवल -3 to 3 ये है.
हो सकता है पहले आपको जीएस बनाना पड़ेगा भाई हैं तो सर पहले तो आप माइनस ये क्या बनेगा ये वाला ये बनेगा एक्स माइनस टू एफ ऑफ मोड एक्स इक्वल टू माइनस टू व्हेन मोड एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड mod of x minus 2 when mod of x lies between 0 and 3 ये तो possible नहीं है ऊपर वाला ना yes. तो f of mod of x ऊपर वाला तो possible नहीं है ना भैया mod of x minus 3 और 0 के बीच में कैसे हो सकता है ना yes. तो ये बन जाएगा आपका ऊपर वाला तो कुछ देगा नहीं नीचे वाला इसके दो ब्रांच बन जाएंगे जब x आपका माइनस थ्री से जीरो तक होगा जब माइनस थ्री से जीरो तक होगा तो यानी कि नेगेटिव तो ये माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा दोनों में सेम ही रहेगा मतलब और जब एक्स आपका जीरो से थ्री तक हो जाएगा तो ये पॉजिटिव तो ये एक्स माइनस टू हो जाएगा और जब एक्स आपका जीरो होगा जब एक्स आपका जीरो होगा तो टू तो जीरो कहीं भी शामिल कर सकता हूं ना टू टू यहां भी आ रहा है टू यहां भी आ रहा है ना अरे भैया जीरो पे टू आ रहा है ना माइनस टू तो वो कहीं भी शामिल कर सकता हूँ ऊपर या नीचे तो ठीक है चलो अलग कर लिया कोई बात नहीं एफ ऑफ मोड एक्स ही हो गया दूसरा और एफ ऑफ एक्स का होल मोड कैसा होगा एफ ऑफ एक्स का होल मोड यानी कि माइनस थ्री से लेकर जीरो पे ये माइनस टू का मोड टू हो गया है कि नहीं और ये पूरे का और जब x आपका 0 से 3 तक होगा तो ये होल मोड ऑफ x माइनस टू हो गया नहीं अब लेकिन यहां तो देखो इसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा ये 2 हो गया जब आपका ये माइनस थ्री से 0 हुआ और ये वाला टूटेगा पता है कहां से 0 से लेकर 2 तक टूटेगा क्यों टूटेगा बताओ तो ब्रेक आएगा साइन में ये मोड टूटेगा तो ये x माइनस टू और जब x आपका 2 से लेकर 3 तक हुआ तो ये माइनस नहीं नहीं उल्टा हो गया ना ये तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस x प्लस 2 और ये x माइनस 2 ये हो गया आपका फंक्शन टूट गया अच्छा है ना एक काम करूं जीरो को ऊपर ही शामिल कर दूं क्या यहां पर जीरो शामिल हो रहा है ना अलग करने की जरूरत नहीं है ना ऊपर ही कर देता हूं इसको है ये वाला कोई दिक्कत है ये वाला कर देता हूं इसको यहां से हटा देता हूं ठीक है ना पहले वाला गलत था ना अब वाला गलत है ठीक है बस मैंने अपने उसके लिए थोड़ा सा ये अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे ऐड करना मैंने आपको सिखा रखा है सेम एफ ऑफ सेम लिमिट वगैरह रखो ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का होल मॉड ये करना है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री से जीरो पे क्या आएगा देखते हैं माइनस थ्री से जीरो पे ये माइनस थ्री से जीरो पे तो ये जीरो आ गया ना नहीं माइनस थ्री से जीरो yes, और माइनस थ्री से जीरो नहीं ये वाला तो होगा ही नहीं ना यार ये कहां से लिख दिया ये तो ये इसको क्यों कर रहा हूं मैं इसको करूंगा ना इसको और इसको ऐड करूंगा ना ये yes, sir, वो इसको ऐड माइनस एक्स आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा वो टू और ये टू तो माइनस एक्स हो जाएगा सही बात माइनस एक्स हो जाएगा और उसके बाद वाला जो इंटरवल में बनाऊंगा दोनों का कॉमन इंटरवल कौन सा आ रहा है जीरो से टू जीरो से टू पे ये माइनस एक्स माइनस टू और जीरो से टू पे ये एक्स माइनस टू ये तो जीरो हो गया ना यस सर और फिर बचा आपका टू से थ्री टू से थ्री टू से थ्री पे टू से थ्री पे एक्स माइनस टू टू से थ्री पे एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस फोर ना ये आपका बन गया टू एक्स माइनस फोर बस हो गया मेरे ख्याल से इसके बाद तो क्या बचा फिर अब है ना चाहो तो ग्राफ बना लो चाहो तो
एनालिटिकली कर लो, ग्राफ बना लेता हूँ, आसान है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है खाली, -3 से लेकर 0 तक -x का ग्राफ बन रहा है, -3 पे +3 आएगा, 0 पे 0 आएगा, दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं, ये बन गया ग्राफ, और 0 से लेकर 2 तक ये 0 दे रहा है, कंटिन्यूअस यहां भी हो गया, और 2 पे 0 आ रहा है, और उसके बाद फिर 2 से लेकर 3 तक 2 जा 4 -4 0 और 6 ये 2, ये तो कंटिन्यूअस हो गया, फिर पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है भाई पूरे इंटरवल में, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द गिवन इंटरवल, लेकिन दो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां कहां पे 0 और 2 पे, हां नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये देखो ग्राफ से आसान हो गया, तो कंटिन्यूअस तो पूरा ही है ये, ठीक है, तो यही इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ अब डाउट बता, पूछ लो, कुछ डाउट बता रहे थे आप, मैंने आपको भेजा था सर व्हाट्सएप पे, आपने देखा था, मतलब रिप्लाई नहीं किया सुबह, अरे यार अभी दोपहर में देखूंगा, वो है सर।